हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेबी रॉक्स टीम्स। तो कल सुबह एक मैच होने वाला है एसएसबी वर्सेस दलसन ह्युंडई के बीच, 14 घंटे 12 मिनट बाद। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की, तो एक चीज़ ध्यान में रख लो कि यहाँ पर दलसन ह्युंडई जीतेगी। बस इतना समझ के रख लोगे ना, जीत जाओगे। ये मत सोचना कि कोई और जीतेगी। मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ कि दलसन ह्युंडई यहाँ पर मतलब लिखे तो नहीं, प्रदर्शन करेगी। मतलब मैं जब भी ये बात बोलता ना, उस दिन हार जाता हूँ, इसलिए भाई इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सिर्फ मैं आपको इतना बोलूँगा कि अपने दिमाग में रखो कि दलसन ह्युंडई फेवर करनी है। सबसे पहले बात करें गोलकीपर की, यहाँ पर है एम यांग ह्योंग, जो कि गोल सेविंग करता आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी 30 पॉइंट देकर जा सकता है कल के मैच में। 30 पॉइंट्स आर एवरेज, ठीक है यार, 20-30 यार, गोलकीपर के 20-30 पॉइंट क्या देखने, कौन सा पेनल्टी आ गई है जो मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे से अगर बात करें एस यंग वू की, देन यहाँ पर एस यंग वू को पिछले मैच में भी लोगों ने छोड़ा था, मैंने क्लियर मना किया था कि मत छोड़ना। मैंने ये तो नहीं कहा था कि असिस्ट करेगा, मैंने तो क्लीन शीट के चक्कर में कहा था, लेकिन आपने छोड़ा और हारे, ठीक है। ये अंदर से आपको भी पता है, जो लोगों के साथ हुआ है मुझे बताएंगे तो नहीं, लेकिन मुझे पता है। और के की ही की बात करें, किम की ही, जो कि पिछले मैच के अंदर इंस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं कर पाया, लेकिन टैकल्स तो एक भी नहीं किया, बाकी पासिस अच्छे कंप्लीट किए थे, मतलब डिफेंडिंग साइड बंदे की अच्छी थी। एंड टी किम की बात करें, यहाँ पर है टी किम, तो मैं टी किम को यहाँ पर टीम में ले रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन पिछले मैच के अंदर, मतलब इतनी एक लो टीम भी नहीं हो और इतना अच्छा प्रदर्शन, एक बड़ी टीम होने के नाते भी सिंगल गोल कंसीडेड होकर भी आप इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हो और प्रेशर में नहीं आ रहे, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी। और के योंग गवोन, जो कि कई लोगों की पसंद है ये प्लेयर, मतलब कई लोग तो ऐसे हैं, इतना भरोसा कर लेते हैं, कैप्टन ही रख देते हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन। अरे भाई इतना मत करा करो यार। एंड आगे से बात करें एल की जे की, तो मैंने इसकी जगह पहले स्ट्राइकर लिया था, तो मैंने अपने दिमाग को समझाया भाई स्ट्राइकर तब लूँगा जब ज़रूरत होगी, क्योंकि जब मेरे को पता है कि सामने वाली टीम कमज़ोर है, गोल नहीं कर सकती, तो क्यों लूँ स्ट्राइकर। ओके, कल भी तो हम इसलिए जीते थे, कल मैंने स्ट्राइकर छोड़ के डिफेंडर लिया, डिफेंडर कर गया गोल, और जो डिफेंडर था वो था बिल्कुल लो सिलेक्टेड। तो यही तो फ़ायदे के कारण होते हैं। आगे से बात करें काजा की, यहाँ पर है वलेरी काजा इज़ अ ग्रेट प्लेयर, पिछले मैचेस के अंदर ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है इस बंदे का, और दूसरी बात खेलता भी एकदम नेक्स्ट लेवल है, और काजा एज गोल वगैरह बहुत बढ़िया करता है। लेकिन मेरे को एक चीज़ की कमी लगी, एक चीज़ सही में क्लियर बोलूँगा, पिछले मैच में इतना कुछ करने के बाद भी सिर्फ 57 पॉइंट, वो क्यों, क्योंकि इसने कर दी पेनल्टी मिस, और वो मैच था 1 मार्च का। उसके बाद जितने मैचेस हुए हैं अप्रैल में, मार्च में, और या फिर अभी तो मई का पहला मैच ही खेलेगा ये बंदा, तो जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें मुझे एक चीज़ बुरी लगी इस प्लेयर की, कि काजा ने असिस्ट पे ध्यान देना शुरू कर दिया और गोल पे नहीं। तो यार गोल करने चाहिए थे। केटाई हवान की बात करें, पहले केटाई हवान डिफेंडर हुआ करता था, आप किसी से भी पूछ सकते हो, अब ये परमानेंट मिडफील्डर बन गया, सो जगह में अदला बदली तो हुई है। एंड पी डेवॉन की बात करें, पार्क डेवॉन को ज़रूर लेना, ये ऐसा बंदा है जो आप हर बार लेना चाहते हो इस प्लेयर को, मेरे को पता है, इसलिए मैं आपको राय दूंगा कि इसको ड्रॉप करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे से अगर बात करें लियोनेड्रो सुजा खेलता है तो इसको ज़रूर लेना अपनी टीम में, और कैप्टन रखना, क्योंकि मैं सुबह बता दूंगा क्या करना, क्योंकि केम इन जून हो गया, जो भी स्ट्राइकर खेलेगा आपने लेने हैं। इतना दिमाग में रख लो कि आपने यूएलएस टीम के 2 स्ट्राइकर लेने हैं, यूएलएस टीम के 2 स्ट्राइकर लेने हैं आपने, इतना दिमाग में रख लो, अगर नहीं लोगे तो हारोगे, मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए इतना आपने माइंड में रख लो कि आपने लेने ही लेने हैं। और ई वॉन सेंग की बात करूँ, ई वॉन सेंग जो कि मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ, बाकी नीचे से के मिन जन खेला तो मैं लूँगा ज़रूर, अभी बता रहा हूँ आपको, अगर लियोनेड्रो नहीं खेला तो। आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन है ई वॉन सेंग, वाइस कैप्टन है काजा, ये थोड़ी रिस्की टीम है, सेफ जाना चाहते हो तो कुछ ना करो, कैप्टन काजा को रख लो, वाइस कैप्टन रख लो एस यंग वू को, ये बहुत ज़्यादा सेफ टीम है। अब आप देख लीजिए रिस्क लेना है, सेफ जाना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।